ये दोस्तों, आप एक YouTube क्रिएटर या YouTube में आने के लिए सोच रहे हैं, बट आपको कुछ पता नहीं कि YouTube में क्या क्या करना पड़ता, कैसे मेहनत करनी पड़ती, क्या क्या सीखना पड़ता है, और दोस्तों इसके बाद आप ग्रो कैसे करना है। दोस्तों आज सारा कुछ बताने वाले उस वीडियो में, तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिब्बू की टेक। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम सिब्बू है। मैं आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं। यह वीडियो मिल सकता है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, यह चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कर लेते वीडियो स्टार्ट। दोस्तों यदि आप एक बिगिनर यूट्यूबर, मतलब आप एक न्यू यूट्यूबर है, बट आपको यहाँ पता नहीं कि यहाँ पर ग्रो कैसे करना है, क्या क्या सीखना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर कई पॉइंट बताने वाला हूँ आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले बात आती है चैनल कैटेगरी। दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल बनाने से पहले आपको दोस्तों चैनल कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी चैनल कैटेगरी रखनी है, आप कौन सा वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है चैनल की कैटेगरी। तो दोस्तों आपको चैनल की कैटेगरी कैसे चूज करना, कौन सा वीडियो किस चैनल कैटेगरी में आता है, दोस्तों आपको आई बटन वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दे दूंगी दोस्तों आपको चैनल की कैटेगरी कैसे चूज करनी है, सारा कुछ यहाँ पर आपको पूरे बेहतरीन से आपको मिल जाएगा, कौन सी वीडियो कौन सी कैटेगरी में आता है। जब तक दोस्तों आपको सही तरीके से नहीं पता होगा यूट्यूब चैनल कैटेगरी क्या है, वीडियो कैटेगरी क्या है, बट आप वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला। जितनी आप मेहनत कर ले दोस्तों, आप बना रहे ब्लॉगिंग के या ट्रेवलिंग ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, फाइनेंस या इसमें टेक्निकल में, क्योंकि दोस्तों जो ऑडियंस आपकी ब्लॉगिंग देख रहा पसंद कर, उनको नहीं दिखा रहे, आप फाइनेंस वाले दिखा रहे। जब तक आपको सही नीच नहीं पता होगी, तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, मतलब आपको चैनल कैटेगरी या वीडियो कैटेगरी चूज करना आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ये जो आप फेस भी चूज करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना आना चाहिए। जब तक दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक दोस्तों आपको यूट्यूब में आने के लिए बेकार है। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, दोस्तों यहाँ पर आपको 10 से 15 दिन तक वीडियो शूट करना है, और दोस्तों साथ में एडिटिंग करनी है। जब तक दोस्तों आप एक अच्छा वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे, अच्छा थंबनेल नहीं बना पाएंगे, दोस्तों यूट्यूब में आप नहीं आ सकेंगे, आएंगे दोस्तों तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो एडिटिंग प्लस कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको बोलना। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड पॉइंट, विदाउट फेस वीडियो शूटिंग। ये दोस्तों आप वॉइस ओवर ओनली करते, मतलब फेस नहीं दिखाते, जैसे मेरा फेस का वीडियो आप ऐसा नहीं दिखाते, ओनली वॉइस आप दे रहे हैं, तो दोस्तों उसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको फेस तो दिखने मिलने वाला, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ दोस्तों, वहां आप एक विजुअलाइजेशन नहीं दिखा पाएंगे, आपको वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप दिखा पाएंगे। ये दोस्तों विदाउट फेस कैम वीडियो शूट करते हैं, दोस्तों वहां पर आपको ज्यादा कठिनाई होने वाली, तो दोस्तों वहां पर आपको सबसे ज्यादा सीखना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग। जब तक दोस्तों आपकी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, तब तक आप दोस्तों एक यूट्यूबर नहीं बन सकते। यूट्यूबर तो आप बन जाएंगे, एक चैनल बना लिए, 10 वीडियो बना दिए, दोस्तों आप यूट्यूबर बन गए, बट आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते। यूट्यूबर बनना आसान है, लेकिन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना बहुत कठिन है। आप दोस्तों यदि आप यूट्यूब करियर आना चाहते हैं, दोस्तों आपको ये सारा कुछ सीखते ही आना, तभी दोस्तों आप ये कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फोर पॉइंट की, दोस्तों इंप्रूवमेंट। जब तक दोस्तों अपने वीडियो आप इंप्रूव नहीं करेंगे, वीडियो एडिटिंग हो, थंबनेल एडिटिंग हो, या ऑडियो एडिटिंग हो, कुछ भी, जब तक दोस्तों आप इंप्रूव नहीं करेंगे, मतलब पहले से बेहतर नहीं होते जाएंगे, तो दोस्तों आप तब भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों 10 साल के पहले वीडियो कंपैरिजन बाद देखेंगे बहुत अलग दिख जाएगा। जैसे पहले से ये वीडियो बना रहे हैं, समय के साथ इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों तब भी आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। दोस्तों आप बात करते हैं फाइव पॉइंट, टारगेट योर ऑडियंस। दोस्तों आपने थंबनेल बनाना सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख लिया, और दोस्तों उसके साथ साथ वॉइस एडिटिंग, वॉइस ओवर, फेसकैम सब कुछ सीख लिया, आप सही बना पा रहे हैं, बट दोस्तों आप वहां पर टारगेट नहीं पा रहा है कि आप ऑडियंस क्या मांग रही, आप दे क्या पा रहे हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए कि ऑडियंस मांग रही चैनल कैसे बनाएं, आप बता रहे हैं ब्लॉगिंग वीडियो कैसे बनाएं, तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना। जो आपके ऑडियंस पसंद कर रहे, तो आपको ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनाना, दोस्तों अपने हिसाब से नहीं बनाना। यदि आप अपने हिसाब से वीडियो बनाते, दोस्तों आपको ही देखना है, फिर यदि ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनाएंगे, दोस्तों ऑडियंस देखेगी आपका वीडियो, दोस्तों आपको ऑडियंस को टारगेट करना, ना कि अपने को देखना कि मैं क्या पसंद करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, आपने सारा कुछ सीख लिया, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, वॉइस ओवर एंड टारगेट करना भी सीख लिए, बट दोस्तों आपको पता नहीं कि यूट्यूब में एसईओ कैसे करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दोस्तों आपको नहीं पता, तो तब भी आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते। तो दोस्तों एसईओ कैसे करना है, तो दोस्तों आपको आई बटन मिल जाएगा। दोस्तों जब तक आप एसईओ करना नहीं सीखेंगे, तब भी आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, मतलब टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन आपको सही से लगाने आने चाहिए, कौन से टाइटल कब लगाना, कौन से टैग कहां लगाने, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको ये आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आप यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आपको दोस्तों ये सीखना पड़ेगा, बाद में चैनल बनाए, बाद में वीडियो बनाए चलेगा, बट दोस्तों आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, लाइक ऐसा करना मत, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, जय हिंद।